नमस्ते। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच उपजे तनाव में पाकिस्तान बुरी तरह से फंस गया है। उसकी एक गलती अब उस पर बहुत भारी पड़ने जा रही है, जिसके बाद सरकार से लेकर पाक फौज में हड़कंप मच गया है। दरअसल शनिवार को मुसलमान आतंकी समूह हमास ने इजराइल में बर्बर घटना को अंजाम दिया था, जिसमें इजराइल समेत कई देशों के नागरिक हताहत हुए हैं, जिनमें अमेरिका, जर्मनी, थाईलैंड, नेपाल और यूरोपीय देशों के लोग शामिल हैं। पाकिस्तान ने हमास के इस हमले का खुलकर समर्थन किया था, लेकिन अब इजराइल की एक धमकी ने मदरसा मुल्क के तहमत गीले कर दिए हैं। दरअसल इजराइल ने धमकी दी है कि हमास और उसके मददगारों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, उन्हें किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। इजराइल का साफ इशारा तुर्की, कतर, ईरान और पाकिस्तान की ओर है। यूं भी जिस तरह इनमें से कई देशों ने हमास के आतंकी हमले का समर्थन किया, उसने उन्हें दुनिया के सामने नंगा कर दिया है। पाकिस्तान बुरी तरह घबरा गया है। वह इसलिए नहीं डरा कि अमेरिका तेल अवीव की मदद में अपने युद्ध पोत और लड़ाकू विमान भेज रहा है, बल्कि उसको सबसे ज्यादा दहशत इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद से है। एक खतरा यह भी है कि अगर इजराइल उसके ऊपर मिसाइल अटैक करता है तो दूसरे छोर से भारत भी उस पर हमला कर सकता है। हालांकि पाकिस्तान को नहीं लगता है कि स्थिति यहां तक पहुंच सकती है, मगर जिस तरह इजराइल ने बदला लेने का ऐलान किया, उसे देखते हुए कुछ भी नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि इजराइल का पुराना इतिहास यही कहता है कि उसने जो कहा उसे हर हाल में पूरा किया है। पाकिस्तान ने जिस मुल्लाई जोश में आकर मुसलमान आतंकियों की हिमायत में तशरीफ मटकाई थी, अब वहां उसे फोड़े उगते हुए महसूस होने लगे हैं। देश के जाहिल कूटनीतिकों को आभासी नहीं था कि हालात युद्ध जैसे बन जाएंगे और दुनिया की महाशक्तियां इजराइल के समर्थन में उतर आएगी। पाकिस्तान को शुरुआत में यही उम्मीद थी कि उसके द्वारा हमास का समर्थन करने से तमाम मुस्लिम देश तहमत उतार कर नाचने लगेंगे, पर खेल उल्टा पड़ गया है। इस्लामिक दुनिया के दो सबसे अमीर मुल्क सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात तटस्थ की भूमिका में आ गए हैं, जबकि पाकिस्तान का दोस्त तुर्की भी इजराइल की धमकी के बाद बुरी तरह सहम गया है। पाकिस्तान की उधड़ी हुई भी फटनी शुरू हो गई है। हमास के हमले के बाद इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद एक्टिव हो गई है। मोसाद का नेटवर्क पूरी दुनिया के साथ पाकिस्तान में भी व्यापक तौर पर फैला है। इजराइल की इस एजेंसी के बारे में कहा जाता है कि जितने मुसलमान आतंकी इजराइल की डिफेंस फोर्स ने निपटाए हैं, उससे कई ज्यादा दुश्मनों को मोसाद ने ठिकाने लगाया है। मोसाद के बारे में यह भी कहा जाता है कि उसकी डिक्शनरी में असंभव कोई शब्द नहीं है। इजराइल पर भीषण हमले के बाद हमास ने खुद स्वीकार किया कि इस हमले में उसे ईरान से मदद मिली है। ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी भी हमास के शीर्ष नेतृत्व के संपर्क में है। उधर इजराइल पर हमले के लिए जो रॉकेट इस्तेमाल किए गए, उसके लिए निर्माण सामग्री तुर्की से आई थी। इसके अलावा कतर शुरू से ही हमास को फंडिंग करता है और हमले के बाद भी इजराइल को अपराधी करार दिया है। पाकिस्तान ने भी हमास का पक्ष लेते हुए जायज ठहराया है। लेबनान में सक्रिय हिजबुल्ला ने भी हमास को समर्थन देने का ऐलान किया है। उसने इजरायली सेना के ऊपर गोलीबारी भी की है। खास बात यह है कि कतर को छोड़कर बाकी सभी मुस्लिम भिखारी मुल्क हैं और इनकी जनता भुखमरी, कंगाली और बदहाली से जूझ रही है। अब ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने भी प्रोक्स तौर पर हमास की मदद की है। उसने उस चीनी टेक्नोलॉजी को हमास के आतंकियों को मुहैया कराया था, जिसकी बदौलत इजराइल के घातक आयरन डोम को जाम करके हमास ने 5,000 रॉकेट इजराइल पर दागे हैं। हालांकि खुद की गर्दन फंसती देख धूर्त पाकिस्तान ने चुप्पी साध ली है और हमास के समर्थन वाले बयान पर लिपापोती करने के प्रयास में जुट गया है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई पहले भी हमास के मुसलमान आतंकियों को हथियार और फंडिंग मुहैया कराती रही है। इतना ही नहीं, एजेंसी के एजेंट प्रोक्स तौर पर हमास की मदद करते आए हैं। संगठन के 150 से ज्यादा आतंकियों को पाकिस्तान में प्रशिक्षण भी दिया गया। हालांकि पाकिस्तान ने आज तक इन सभी रिपोर्ट्स को नकारा है, मगर यह भी फैक्ट है कि दुनिया में कहीं भी आतंकवाद पनपता है तो उसके पीछे पाकिस्तान का कोई ना कोई हाथ जरूर होता है। कहा जा रहा है कि इजरायली एजेंसियां पाकिस्तान को सस्पेक्ट मानकर जांच कर रही है और पता लगाया जा रहा है कि इजराइल पर हुए बर्बर हमले में उसकी क्या भूमिका रही है। अगर पाकिस्तान का कोई हाथ मिलता है तो फिर इजराइल उसके ऊपर भी कार्रवाई करेगा। वहीं अमेरिका भी पाकिस्तान से इजराइल पर हुए आतंकी हमले को जायज ठहराने पर जवाब तलब करने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की ओर से आधिकारिक तौर पर इस बर्बरतापूर्ण कार्रवाई को उचित ठहराया गया था।
यानी पाकिस्तान खुद ही आफत में फंस गया है। लेकिन जिन मुस्लिम देशों की उम्मीद के भरोसे पाकिस्तान ने तहमत उछाले थे, वे अमरीकी युद्धपोत और विमानों की खबर सुनकर अज्ञातवास में चले गए हैं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।